प्यारे दोस्तों, आज हम डिफरेंशिएट करेंगे एक बटा एक्स की स्क्वायर रूट को। तो इसको कैसे किया जाता है? मान लीजिए, सपोज एक बटा एक्स है, ये वाई है। ओके, तो ये वाई है। अब एज पर डेरिवेटिव रूल्स, अगर वाई में हम जमा करें डी वाई, तो यह इसके बराबर होता है, एक्स में जमा होता है डी एक्स। ओके, तो ये था एक और ये था दो। अब दो में से एक घटा देते हैं, दो में से एक घटा देते हैं, क्या होगा? अब इसमें से घटाएं, y प्लस डी वाई माइनस वाई, और इस तरफ वन एक्स प्लस डी एक्स, और इसमें से एक बटा स्क्वायर एक्स घटा दिया। अब ये कट गया, ये कट गया, अब यहां आ गया डी वाई, ठीक है। और इसका हमने स्क्वायर रूट निकाल देते हैं, तो ये स्क्वायर रूट निकल गया, ये स्क्वायर रूट एक्स यहां आ गया और ये यहां आ गया एक्स प्लस डी एक्स, ठीक। और इधर स्क्वायर रूट एक्स और एक्स, ये इसमें गुना का निशान है, एक्स प्लस डी एक्स। अब इसको क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है। इसको किसके साथ इसको जो मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर रूट एक्स प्लस डी एक्स, और नीचे भी वैसे का वैसे लिख देंगे क्योंकि उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहां मैं आगे निकालता हूं इस सवाल को। ये देखो डी एक्स है, डी वाई सॉरी, ये है हमारा स्क्वायर रूट एक्स माइनस एक्स प्लस डी एक्स, और ये है स्क्वायर रूट एक्स, ये आ गया एक्स प्लस डी एक्स। इसको गुना करना है स्क्वायर रूट एक्स प्लस डी एक्स के साथ, और नीचे भी स्क्वायर रूट एक्स एक्स प्लस डी एक्स। इससे क्या होगा, यहाँ प्लस ये दोनों वैसे कट जाएंगे, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, पर इससे हमारा सवाल हल हो जाएगा। सवाल कैसे हल होगा, अब देखो फार्मूला लग जाएगा, एक की दो बी की दो आपने सुना था, तो स्क्वायर रूट एक्स की टू आ गया, ये आ गया एक्स प्लस डी एक्स की टू आ गया, और नीचे ये एक्स बन गया, और ये इस एक मिनट इसको इसके साथ गुना करते हैं, स्क्वायर रूट एक्स एक्स प्लस डी एक्स को मल्टीप्लाई किया एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डी एक्स के साथ। ओके, तो इसको मैंने आगे लिख दिया डी वाई, एक्स बन गया, ये कट गया एक्स प्लस डी एक्स, ये कट गया, ठीक है, ये कट गया, और ये कट गया अंदर, ये माइनस में हो गया, प्लस माइनस माइनस, और यहां वैसे का वैसे ही है, इसको अंदर भेजते हैं एक्स एक्स प्लस डी एक्स, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स कट जाएगा, और इसको इसके साथ करेंगे तो ये स्क्वायर रूट एक्स, ये इसके साथ कट जाएगा, तो ये आ गया एक्स प्लस डी एक्स। ओके, तो अब हमारे पास आगे इक्वेशन आ गई डी वाई बटा ये डी एक्स, नीचे ले आते हैं, ये माइनस एक आ गया, और एक्स और यहां आ गया एक्स प्लस डी एक्स, और यहां स्क्वायर रूट
एक्स और इसके साथ ये है एक्स प्लस डी एक्स। अब देखो लिमिट कहने से जो डी एक्स है, टेक लिमिट डी एक्स एज ए जीरो, अब यहां जीरो हो जाएगी। देखो कैसे करते हैं, ये डेरिवेटिव है डी वाई डी एक्स माइनस एक का एक्स एक्स प्लस ये जीरो हो गया, ठीक है, प्लस ये स्क्वायर रूट एक्स है और ये इसको इसके साथ गुना है एक्स प्लस ये भी जीरो हो गया। हमारे पास इक्वेशन आ गई डी वाई डी एक्स माइनस एक और ये एक्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर रूट एक्स, ये इक्वेशन आ गई। अब देखो ये है डी है, यहां वाई है, इसको अलग रख लेते हैं डी एक्स और इस वाई की जो कीमत है ये है एक बटा स्क्वायर रूट एक्स, इसकी जो वैल्यू यहां आएगी माइनस एक, ठीक है, और ये आ गया आपका, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो दो एक्स आ गया और ये जो आप इसको पूरा ही लिख सकते हो दो एक्स स्क्वायर रूट एक्स। ओके थैंक यू वेरी मच।